देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आने से कई राज्यों में धीरे धीरे सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स खोले गए हैं। देश के बड़े सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को लंबे समय तक बंद रखने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब कई राज्यों की सरकारें कहीं पूरी दर्शक क्षमता तो कहीं आधी दर्शक क्षमता से सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ओडिशा प्रदेश की सरकार ने राज्य में सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है। राज्य में 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघर खुले हैं। अनलॉक गाइडलाइंस के तहत सुंदरगढ़ जिला में भी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार के इस कदम से फिल्म उद्योग को बड़ी राहत मिलने की बात राउरकेला शहर के समाज सेवी व सीने कार्निवल सिनेमा हॉल के संचालक अमिताभ सामल ने कही है। उन्होंने बताया कि सिनेमा घरों को कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करना है। पिछले कई महीने से बंद पड़े सिनेमाघर सहित गुरुवार से राउरकेला स्टेशन के समीप स्थित सीने कार्निवल खुलने पर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के शौकीन पहले दिन ही फिल्म देखने सिनेमाघरों में पहुंचे। दर्शकों की संख्या अच्छी रही। राउरकेला रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सीने कार्निवल मल्टीप्लेक्स में नई फिल्में दिखाई गई। पहले दिन सीने कार्निवल में विभिन्न शो चले। मल्टीप्लेक्स में शारीरिक दूरी का पालन करने समेत बैठने, प्रवेश और निकासी की सभी व्यवस्थाएं की गई है। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं हैं। कोरोना वायरस के चलते सिनेमा हॉल की कुल सीटों में 50% सीटों पर ही बैठने की अनुमति मिली हुई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक दर्शकों को मास्क एवं शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है। सुंदरगढ़ जिला के राउरकेला शहर में सिनेमा हॉल के ऊपर शहर के अधिकांश लोग जीविका के लिए आश्रित हैं। ऐसे में सिनेमा घर के खुल जाने से मालिक और कर्मचारी दोनों के जीविका संबंधित समस्याओं का हल होना शुरू हो गया। सीने कार्निवल सिनेमा हॉल के संचालक व शहर के समाज सेवी अमिताभ सामल ने कहा कि सिनेमा हॉल खोले जाने से राहत मिलने शुरू हो गई है, अब स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन समेत राउरकेला महानगर निगम को धन्यवाद दिया। पहले तो मैं राउरकेला वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उड़ीसा वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से पालन किया गया। राउरकेला वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना लॉकडाउन के इतना महामारी के टाइम में भी बहुत अच्छे से सब मैनेज किया गया। सरकार को धन्यवाद और राउरकेला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी देना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपने हॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे राउरकेला का पहला मल्टीप्लेक्स है सीने कार्निवल। हम लोग भी विशेष खेती पहुँचा करना होगा, जैसे सबकी खेती पहुँचे हम लोग, मगर कुछ किया नहीं जा सकता। अब लॉकडाउन खुली है, राउरकेला वासियों के बहुत प्रतीक्षा थी कि अपने से मल्टीप्लेक्स खुले और खुला है और रेस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइन हम सब पालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ गाइडलाइन पालन करने के साथ साथ जीविका आप जानते हैं वो भी हम लोग को देखना है, तो अपने सारा चीज़ उसी सिस्टम से गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए अपने मल्टीप्लेक्स चालू किए हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, रिस्पॉन्स अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा से। सबको इस कोरोना का महामारी है, सबको जीविका पहले सबसे है, उसके बाद सारे चीज़ है, तो सब उसी हिसाब से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बहुत अच्छे काम कर रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत कहीं पर से नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप सबको मालूम है कि अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेट सारा कंट्री में नहीं हुआ, जैसे सारा राउरकेला में भी नहीं हुआ है, ओडिशा में भी नहीं हुआ है, तो आस्ते आस्ते सारा चीज़ हो रहा है। वो भारत सरकार भी अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, ओडिशा सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सारा चीज़ अपने को भी देखना है कि राउरकेला वासी भी उसको देखे कि जहाँ भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी देखना है। हम लोग को मास्क यूज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना चाहिए, जो हम लोग मल्टीप्लेक्स में भी कर रहे हैं सारा चीज़। एक एक सीट आप जान रहे हैं 50% कैपेसिटी से चल रहा है, एक एक सीट हम लोग छोड़ के कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है सारा हम लोग पालन कर रहे हैं और आने वाला समय में मुझे लगता है और अच्छा होगा, कोरोना से हम लोग सब निजात पाएंगे और राउरकेला वासी, ओडिशा वासी और भारतवासी सब इस कोरोना महामारी से हटेंगे। नहीं, आर्थिक सहायता की तो बात कुछ ऐसे सामने नहीं आई है, हम लोग अपने तरफ से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, सबके तंगी है। सरकार का भी एक सीमित दायरा होता है, उसमें भी वो लोग बहुत अच्छे काम, ओडिशा सरकार बहुत अच्छा काम किए, भारत सरकार भी बहुत अच्छा काम किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम किए, हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी भी यहाँ ओडिशा के लिए बहुत सारे अच्छा काम किए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आस्ते आस्ते मुझे लगता है सब चीज़